गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू, गुजरा हुआ जमाना चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि बुद्धा जो है अपने बचपन के जमाने को सोचा उसने, फिर अपने जवानी के जमाने को सोचा, उसके बाद अपने अधेड़ उम्र के जमाने को सोचा। जब वो अधेड़ उम्र मीन्स की जब बुढ़ापा नहीं होता और जवानी भी नहीं होता है, दोनों बुढ़ापा और जवानी के मिडिल में बीच में जो जिंदगी का हिस्सा होता है उसको अधेड़ उम्र कहते हैं। फिर वो अपने अधेड़ उम्र को याद करने के बाद उसने उसको बहुत सुकून मिला कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद वो आवाज देता है तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है वगैरह वगैरह। अब हम लोगों को जहां से पढ़ना है वो ये है कि वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा, इसके बाद पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं, इनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था, एकाएक इसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी, इसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई। इसने टकटकी बांधे इसे देखना शुरू किया। जो जो वो उसे देखता था वो करीब होती जाती थी। टकटकी बांध कर देखना मुहावरा है, याद रखिएगा। गौर से किसी चीज को लगातार आंखों से देखते रहने को टकटकी, जब हैरत में पड़ के किसी चीज को गौर से देखते हैं उसको टकटकी बांध के देखना कहते हैं। शुरू किया। जो जो वो इसे देखता था वो करीब तर होती जा, और जितना ज्यादा वो देख रहा था वो दुल्हन जो है, वो खूबसूरत दुल्हन जो आसमान में नजर आई थी वो और करीब होती जाती थी, यहाँ तक कि वो इसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्न व जमाल को देखकर हैरान हो गया और नहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे में पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ। ये नेकियां जो है ये इतनी खूबसूरती से दिखाई देती हैं जो एक खूबसूरत हसीन हुस्न व जमाल वाली दुल्हन की शक्ल में। इसने पूछा कि तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है? वो बोली, हाँ। तस्खीर का मतलब अपने काबू में करना, अपने अंडर में कर लेना। तो उसने पूछा कि तुमको अपने अंडर में कर लेने का या अपने काबू में कर लेने का कोई अमल है? वो बोली, हाँ, निहायत आसान है पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फर्ज इस बदवी की तरह जिसने कहा कि वल्लाह ला अर अजियत वाला अनकस, कहा अदा कर इंसान इसकी भलाई और इसकी बेहतरी में सही करे, इसकी मैं मसखर हो जाती हूँ, मैं उसकी उसके काबू में आ जाती हूँ। जो कोशिश करेगा इंसान की भलाई और बेहतरी करने की, सही मीन्स कोशिश। दुनिया में कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, इंसान ही ऐसी चीज है जो आखिर तक रहेगा। बस जो भलाई के इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। इंसान का रोजा नमाज हज जकात ये सारी नेकियां जब तक वो जिंदा है, जब तक मौजूद रहती है, ये सारी नेकियां उसके मौत के साथ साथ खत्म हो जाती है। मादी चीजें भी चंद रोज में फना हो जाती हैं। मादी मतलब कोई मटेरियल, कोई ऐसी नेकी किया जैसे कुआं खुदवाना, अपने चैप्टर में इधर पढ़ा होगा, मस्जिद बनवाना, ये सब भी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ नेकियां ऐसी हैं जो आखिर तक नस्ल दर नस्ल बाकी रहती है, आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ, जो मुझको तस्खीर करना चाहे इंसान की भलाई की मैं कोशिश करे। तो ये दुल्हन क्या कहती है, ये नेकी जो थी जो दुल्हन की शक्ल में नजर आ रही थी, कि जो मुझको तस्खीर करना चाहे, जो मुझको अपने काबू में करना चाहे वो इंसान की भलाई की कोशिश करे, कम से कम अपनी कौम की भलाई में तो दिलो जान और माल से साई हो, और अपने कौम के लिए दिल जान माल हर तरह से कोशिश करे। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बुढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा। यानी इंसान को ऐसी नेकी करनी चाहिए
नेकियां तो सब करनी है, लेकिन सबसे खूबसूरत सबसे अच्छी नेकी क्या है कि इंसान के नस्ल दर नस्ल जो नेकी बाकी रह जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऐसे गरीब बच्चे को जो पढ़ना चाहता हो, पढ़ने में अच्छा हो, जहीन हो, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है, उसको अगर हमने पढ़ा दिया, उसको किसी ने पढ़ा दिया और वो जितना पढ़ना चाहता है उतना आला से आला तालीम उसको दे दी, तो अब क्या होगा, उसकी नस्ल दर नस्ल एजुकेशन एजुकेटेड निकलेगी और एजुकेशन पाएगी, तो नस्ल दर नस्ल ये नेकी चलती रहेगी। सबसे बड़ी दौलत जो है इल्म की दौलत है जो ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये खर्च होने से और बढ़ती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने भी यही किया कि स्कूल खोला, स्कूल से कॉलेज हुआ और जिसका नाम आपको बताया जा चुका है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उसका नाम हुआ। फिर उसके बाद से 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुल्क का अजीमुशान इदारा बन गई, तालीबी इदारा बन गई। फिर तो हमें यहाँ यही बताना था बच्चों आप लोगों से कि इंसान को हमेशा अपने कौम की भलाई के लिए सोचना चाहिए और अपनी कौम की भलाई करना चाहिए। अब फिर इसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि इसने अपने 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई और कम से कम अपनी कौम की भलाई का नहीं किया था। इसके तमाम काम ज़ाती गर्ज पर मबनी थे। ज़ाती गर्ज मतलब सिर्फ अपने लिए जो काम किया जाता है उसको ज़ाती गर्ज कहते हैं, सेल्फ वर्क या सेल्फिशनेस कहिए जो भी कहिए। नेक काम जो किए थे सवाब के लालच में, इंसान नेकी क्यों करता है, इसको सवाब मिलेगा तो सवाब के लालच में नेक किया था, गोया खुदा को रिश्वत देने की नज़र से किए थे, ख़ास कौमी भलाई की खालिस नियत से कुछ भी नहीं किया था। हम लोग आम तौर से इंसान क्या करता है, अपनी नेकी करता है अपनी भलाई के लिए कि मेरी दुनिया आखरत दोनों संवारी जा रहे अच्छी रहे, लेकिन खालिस नियत ये होती है कि बगैर कुछ सोचे समझे कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा या नुकसान होगा, हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की यानी कौम की भलाई के लिए काम करें, नेक लोगों के लिए नेक नियत के साथ कौम का काम करें, तो वो असल नेकी हुई। अपना हाल सोचकर वो इस दिल फरेब दुल्हन से मिलने से मायूस हुआ और अपना आखिर जमाना देखकर आइंदा करने की भी कुछ उम्मीद ना पाई। तब नहायत मायूसी के हालत में बेकरार होकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, फिर क्या तुझे मैं बुला सकता हूँ, हाय मैं 10,000 दीनार दे देता अगर फिर वक्त आ जाता और मैं जवान हो सकता। ये कहकर इसने एक आह सर्द भरी और बेहोश हो गया। देखो बच्चों तुम लोगों को यहाँ सर सैयद अहमद ख़ान एक ग्रेट पर्सनालिटी का हम लोग जुमला पढ़ रहे हैं कि इंसान जो है वक्त जाने के बाद पछताता है, लिहाजा वक्त किसी तरह से वापस नहीं आता, हमें अपने वक्त की कदर करनी चाहिए वरना इसी बुढ़े की तरह से पछताना पड़ेगा। वो बुढ़ा इतना पछताया कि वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर न गुजरी थी कि इसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज आने लगी। इसकी प्यारी माँ इसके पास आ खड़ी हुई, इसको गले लगाकर इसकी बब्बीली, इसका बाप इसको दिखाई दिया, छोटे छोटे भाई बहन इसके गिर्द आकर खड़े हुए। माँ ने कहा, बेटा क्यों बरस के आखिर दिन रोता है, बरस के दिन रोता है, यानी आखिर रात थी, बरस की आखिर रात थी, तो अब जो सुबह हुई तो ये बरस का पहला दिन था, तू क्यों बेकरार है, किस लिए तेरी हिचकी बंद गई है, उठ मुंह हाथ धो, कपड़े पहन, नौरोज की खुशी मना, नौरोज मतलब नया दिन की खुशी मना, तेरे भाई बहन तेरे मुंतजर हैं यानी इंतजार कर रहे हैं। तब वो लड़का जागा, समझा कि मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में बुढ़ा हो गया था। इसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। माँ ने इसने सुनकर इसको जवाब दिया, बेटा बस तू ऐसा मत कर जैसा इस पशिमान बुढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। यह सुनकर वो लड़का पलंग पर से कूद पड़ा, नहायत खुशी से पुकारा, ओ यही मेरी जिंदगी का पहला दिन है,
मैं कभी इस बुढ़े की तरह न पछताऊंगा, जरूर इस दुल्हन को ब्याहूंगा जिसने ऐसा खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बतलाया। ओ खुदा तू मेरी मदद कर, आमीन। उसके बाद ये लड़का खुशी से उछल पड़ा पलंग से और अपनी जिंदगी का पहला दिन देखा और ये उसी दिन तहैया कर लिया, उसी दिन उसने सोच लिया कि अब मैं उस दुल्हन को ब्याहूंगा, यानी उस नेकी को अपना लूंगा, अपने तस्खीर में कर लूंगा जिसने मुझे हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी बताया था। ओ खुदा, और आगे खुदा से मदद मांगने लगा। वो बच्चा था जो ख्वाब में आप एक पूरा ख्वाब बता दिया कि वक्त गंवाने के बाद पछताना पड़ता है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने आप लोगों को यानी कौम के बच्चों को पैगाम दिया है और क्या कहा है पैगाम में, बस ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, हम वतनों, और ऐ मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में इस बुढ़े की तरह न पछताओ। हमारे कौम की नेकी के लिए सर सैयद अहमद खान ने कहा है। आपको पता होगा अभी तो फिर भी गनीमत है मुसलमानों की तालीम, पहले मुसलमानों के यहाँ तालीम बिल्कुल ना के बराबर थी, चंद लोग थे जो पढ़ते थे और औरतें तो बिल्कुल निरी जाहिल रखी जाती थी। ये जुल्म औरतों पे शुरू से हुआ है। तो कह रहे हैं कि कौम की भलाई के लिए उठो कि तुम्हें कौम के लिए भलाई करो, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। यहाँ क्या कहते हैं, हमारा जमाना तो आखिर है। अब सर सैयद अहमद खान बूढ़े थे, कह रहे कि अब हमारा जमाना तो आखिर है, अब खुदा से दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे, आमीन। अब बेटा हम तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर करने के लिए होमवर्क में कहा था, लेकिन पता नहीं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं, इसलिए क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता देती हूँ और बाकी जो आप लोगों को डाउट होगा वो आप लोग पूछेंगे या कोशिश करेंगे कि आपसे हो जाए, मगर क्वेश्चन आंसर मैंने लिख लिया है, आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बूढ़ा अपनी जवानी के जमाने को किन लफ्जों में याद करता है? आंसर होगा, जवाब होगा, बूढ़ा अपनी जवानी के जमाने को यूं याद करता है, सुर्ख सफेद चेहरा, सिडौल भरा भरा बदन, रसीली आंखें, उमंग से भरा दिल, मोती की लड़ी की तरह दांत, जज्बात इंसानी और जोश वगैरह इसे बुढ़ापे में याद आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, सर सैयद ने बरस की आखिर रात का जिक्र किन लफ्जों में किया है? जवाब है, सर सैयद ने बरस की आखिर रात का जिक्र इस तरह किया है, रात अंधेरी और डरावनी थी, तेज आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और एक बुढ़ा कमरे में अकेला बैठा अपने गुजरे हुए जमाने को याद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर थ्री, बूढ़े को जो खूबसूरत दुल्हन नजर आई इससे मुसन्निफ की क्या मुराद है? मुसन्निफ मतलब होता है राइटर। बूढ़े को जो खूबसूरत दुल्हन नजर आई इससे मुसन्निफ की मुराद हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी है जो कौम की खिदमत के लिए की गई हो। जो नेकी कौम की खिदमत के लिए की जाती है वो हमेशा जिंदा रहती है। माँ ने लड़के को क्या नसीहत की? माँ ने लड़के को ये नसीहत की कि तू इस पशिमान बूढ़े की तरह ना करना बल्कि वो करना जो तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। आखिरी पैराग्राफ में सर सैयद ने कौम के नौजवानों को क्या नसीहत की है? आखिरी पैराग्राफ में सर सैयद ने कौम के नौजवानों से यूं नसीहत की है, ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, हम वतनों, ऐ मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में इस बुढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा जमाना तो आखिर है, अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई के लिए कोशिश करे। तो हमने 5 क्वेश्चन के आंसर्स भी लिख दिए हैं। और बेटा अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए कि 8 के बाद 9th क्लास का क्वेश्चन आंसर, 9th क्लास का सिलेबस थोड़ा हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है,
और स्कूल में क्लास चल नहीं रहा है, लिहाजा तुम लोग कोशिश करो बेटा कि पढ़ो, और उसके बावजूद अगर नहीं कर पाओगे तो घबराना नहीं, पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा, जितनी बार पूछोगे तुम लोग उतनी बार तुम लोगों को समझा सकती हूँ, ठीक है? चलो बाय।